हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैमरा की सेटिंग्स को कैसे इम्प्रूव करते हैं उसका पार्ट टू कवर करेंगे। और इसमें मैं यहाँ पे जो कैमरा की विंडो होती है, फर्स्ट विंडो, जब भी आप कैमरा ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो इंटरफेस आता है उसके बारे में हम सॉफ्टवेयर से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं फ़ोटो क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी को, वो सब यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो भी हम चीज़ें देखने वाले हैं वो सब बहुत ही ईजी है और आपको यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करने में, कैमरा में सेटिंग्स को चेंजेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं कैमरा सेटिंग्स पे। सो पहले आप अब जैसे कैमरा ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए, आप कैमरे में जो भी विंडो आपके फ़ोन में ओपन होगा वो ज़्यादातर एंड्रॉयड डिवाइसेस पे सेम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे उन जो फीचर्स हैं उनका जो जगह है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन आपको जो फंक्शनिंग है वो सब में सेम मिलने वाली है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैमरे में वो चीज़ें देख सकते हैं। और अगर आप एक Xiaomi डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेम, जो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, वही सेम फीचर्स, सेम लेआउट और जो UI इंटरफेस है वो भी मिलेगा। चलिए चलते हैं, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़ोटो से। तो फ़ोटो में अगर आप देखोगे, फ़ोटो में यहाँ पर सिंपल जो भी तीन ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, फर्स्ट 1x और यहाँ पर है 0.5x और 6x हो सकता है आपके फ़ोन में। ठीक है, और यहाँ पे 2x भी है, तो ये जूम इन जूम आउट के लिए है, आपके कैमरा का जो फंक्शन है वो चेंज करेगा, या फिर आपके फ़ोन में मल्टीपल कैमरा लेंसेस हैं तो यहाँ पे आपके जो लेंसेस है वो चेंज होंगे एक के बाद एक करके। ठीक, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप जाओगे ऊपर की साइड में, यहाँ पे थ्री लाइन्स पे, तो थ्री लाइन्स पे देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, अपना जो फ़ोटो है उसका रेशियो क्या रखना चाहते हैं आप यहाँ पे 1:1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए भी बहुत सूटेबल है, और यहाँ पे 3:4 भी है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो फ़ोटो का जो लेआउट है वो रख सकते हो और फुल स्क्रीन पर भी जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टाइमर आपको मिल जाता है, सो वो बहुत कम केसेस में आई थिंक यूज़ होता है, बट यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो सेटिंग्स हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मूवी फ्रेम में सिंपल जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो कैमरा है वो एक मूवी फ्रेम की तरह जो फ़ोटो है उसको क्लिक करेगा। ठीक है, अगर आप एक लैंडस्केप फ़ोटो लेना चाह रहे हो अच्छी, तो यहाँ पे आप कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो है वीडियोज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो तो यहाँ पे आप मूवी फ्रेम को यूज़ करिए। इससे एक जो मूवी जैसे आप देखते हो, मूवी का जो लुक है वही सेम आपकी वीडियो में भी दिखता है, तो एक तरह का काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है वो। ठीक है, इंटरफेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। मूवी फ्रेम जो ऑप्शन है इसको यूज़ करने से इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि आपका जो भी पिक्चर होगा या फिर कहीं वो वीडियो होगा उसमें जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हो सकती है वो यहाँ पे ये रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके जो डिवाइस है उसमें इस तरह से जो ग्रिड लाइंस है वो आ जाएगा। इससे आपको अपने कैमरा एंगल्स को ठीक करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप इस पर जाओगे, टैप करोगे, तो यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये कुछ एडवांस यूजर्स के लिए है, ठीक है, जो कि कैमरा और ग्रिड लाइंस के बारे में जानते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं, या फिर आप अपने फ़ोन में ही एडवांस चीज़ें देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर मार्क। तो सेंटर मार्क से वजह से आपको यहाँ पे ये प्लस का साइन है ये आ जाएगा, इससे आपको जो अपना कैमरा यूज़ करते टाइम अपने फ़ोन को सेंटर में रखने में हेल्प होगी। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है वह स्ट्रेटन। तो इसकी मदद से अगर आपका जो कैमरा एंगल है उस वो यहाँ पर अगर मूव हो रहा है तो आपको उसको बैलेंस करने में और उसको सीधा रखने में हेल्प मिलेगी। सो अगर आप बहुत कम केसेस में अपने फ़ोन का जो कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छी फ़ोटोज़ लेने के लिए इन जो फीचर्स है आप इनको इस्तेमाल करिए, उससे आपके जो फ़ोटोज़ का जो कैमरा एंगल्स है वो बेटर होंगे। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है वो है मैक्रो। सो ये जो मैक्रो ऑप्शन है ये बेसिकली आपके जो फ़ोन के कैमरा होंगे, मल्टीपल कैमराज अगर आपके फ़ोन में हैं तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस फीचर का यूज़ सिंपल उस मैक्रो कैमरा को एनेबल करने के लिए है डायरेक्टली, तो आप उससे मैक्रो शॉट्स ले सकते हो अपने कैमरे से, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के जो शॉट्स होते हैं क्लोजली वो आप अपने कैमरे से शूट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें वो है टिल्ट शिफ्ट। तो इसकी मदद से आप देखिए क्या कर सकते हैं, सिंपल आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है सर्किल और एक लाइंस है। सो यहाँ पे जो सर्किल वाला ऑप्शन है इसकी मदद से आप जब भी फ़ोटो क्लिक करोगे या फिर वीडियो शूट करोगे तो वहाँ पे जो सेंटर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको फोकस करने में हेल्प होगी, और जो साइड में सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स जो भी होंगे वो यहाँ पे कैमरा आपका ब्लर कर देगा। ठीक है,
तो ये सब आप फोटोज़ में चेंजेस कर भी कर पाओगे, और जो आपको एक्चुअल फ़ोटो जो क्लिक होगी उसमें ये जो इफ़ेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लाइंस, तो लाइंस पे जब भी आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको जो लाइंस वाइज है ना वो आपको मिलेगा, यानी कि जो ऊपर साइड और जो बॉटम साइड में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ब्लर्ड हो जाएंगे, और जो सेंटर ऑब्जेक्ट्स होगा वो यहाँ पे आपको क्लियर शो होगा। तो ये थोड़ा ब्लर इफेक्ट के लिए आपको अलग अलग इसमें कैमरा में ऑप्शंस मिल जाते हैं गाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास वो है प्रो कलर्स। तो प्रो कलर्स का बहुत सिंपल से यूज़ है ये, जो है पहले आपने शायद MIUI 10 में अगर आपने डिवाइस को इस्तेमाल किया है या फिर कोई पुराना फ़ोन इस्तेमाल किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें सेटिंग्स थे जो कि आपकी जो पिक्चर है उसके कलर सेचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस को चेंज कर पाते थे, ठीक है, उनको आप हाई एंड लो कर सकते थे। अब यहाँ पे उन्हीं को सबको मिक्स करके यहाँ पे आपको प्रो कलर वाला ऑप्शन दे दिया है, बिकॉज जो शार्पनेस है वो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पे आपको कलर्स और सैचुरेशन और जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसका और बेनिफिट आपको मिल सके, उनमें एनहेंसमेंट अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको प्रो कलर्स दिया गया है। तो इसको जैसे आप इनेबल करोगे आपके जो फोटोज़ और वीडियोस होंगे उनके जो कलर्स होंगे वो बूस्ट हो जाएंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप अपने फ़ोन से जो फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिक करोगे तो वो ज़्यादातर ओरिजिनली और जो कलर्स है उनमें थोड़े से फेडेड दिखाई देते हैं, ठीक है। सो कलर्स का जो क्वांटिटी है वो उतना अच्छा नहीं होता, कलर प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती आपकी इमेज में। सो यहाँ पे कलर जो है आर्टिफिशियली आप कह सकते हो इसमें डाले जाएंगे, ठीक है, जो नेचुरल कलर्स होंगे उनको थोड़ा सा बूस्ट करा जाएगा कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन को यूज़ करके। सो इसके लिए आप यहाँ पे प्रो कलर्स को इनेबल कर सकते हैं जब आपको बेटर कलर्स अपने पिक्चर्स में नहीं आते। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है गाइस वो है यहाँ पे टाइम्ड वर्स्ट। सो यहाँ पे इस फीचर का यूज़ करके आप एक सेकंड में कई सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने ज़्यादातर विंडोज़ फ़ोन में यूज़ करी थी, तो वहाँ पे जब आप वर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करते थे तो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ एक सेकंड में शूट हो जाते थे। अभी देखिए सिंपल अगर आपको इसको यूज़ करना है तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो, ये इनेबल हो जाता है। अब आपको इसको चेंज करना है कि कितने सेकंड में और कितने ज़्यादा क्वांटिटी में आप फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जाना होगा इसके एरो वाले ऑप्शन पे और इस पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड दिया गया है नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़, यानी कि यहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अपने फ़ोटोज़ की। तो यहाँ पे 10 से लेकर के आप यहाँ पे 100 कर सकते हो, यहाँ पे आप 600 तक जा सकते हो, ओके। और यहाँ पे नीचे की साइड आपको दिया है इंटरवल्स, तो इंटरवल वो टाइम है जिस टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं। तो ये आप 10 सेकंड 20 सेकंड अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 60 सेकंड तक लिमिट दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर पाओगे, ओके। तो ये टाइम बस्ट वाला जो फीचर हो गया काफ़ी एडवांस ऑप्शन के साथ आपको इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सारे बेसिक से सेटिंग्स हैं, और यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ 40 मेगापिक्सल और जो एडवांस वाले ऑप्शन हैं वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, बिकॉज जो वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है, तो आने वाले पार्ट्स में भी आपको ये सारे जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पे बेटर वे में आप अपने कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे, बेटर फोटोज़ और वीडियोस शूट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं रिलेटेड तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप ज़रूर से वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।